तो जैसा कि हमारा प्लान था कि अब हम लोग जिम कॉर्बेट जाने वाले हैं, तो जाने से पहले मैंने एक बार सोचा कि क्यों ना नेट में एक बार सर्च करके देख लिया जाए कि जिम कॉर्बेट के अंदर है क्या, अंदर जंगल कैसा है। और यही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैंने देख लिया कि किस तरह से जंगल के अंदर एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर इन द सेंस कैसे हम शेर के सामने एकदम फ्रंट टू फ्रंट हो जाएंगे, या फिर जो जीप रहता है वो जीप वो एकदम खुला टाइप सा रहता है। सो वो देख के मेरी हालत वहीं से ख़राब होनी शुरू हो गई। मैं समझ गया कि यार अगर शेर सामने आ गया तो फट के चार हो जाने वाला है। सो आई वॉज प्रेइंग कि भगवान कुछ भी हो जाए टाइगर दिखना नहीं चाहिए। मैं अंदर ही अंदर प्रे कर रहा था कि कुछ भी हो जाए टाइगर ना दिखे, अगर दिख भी जाए तो दूर से ही दिखे, पास तो बिल्कुल ना आए। निकलने के बाद हम गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, और वहाँ हमने स्टे किया था गर्जिया बोल के जगह पे, जो कि एक रिवर साइड है। रिवर साइड इन द सेंस ये रिवर कोसी के बैंक पर पूरा एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, और उसी से कुछ दूर के बाद स्टार्ट होता है फॉरेस्ट एरिया जो कि है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एंट्री के लिए बहुत सारे हमारे रीजन्स हैं, यानी जोन्स हैं, और उन जोन्स में से कुछ जोन्स हैं जैसे जिन्ना, डिकाला, बिजरानी। सो हमने चूज़ किया डिकाला जोन, जो कि काफ़ी फेमस है। और यहाँ जाने के लिए हमने सुबह सुबह पहला ही स्लॉट बुक किया था, क्योंकि ऐसा मानना है कि टाइगर सिर्फ आपको अर्ली मॉर्निंग ही दिखेंगे, क्योंकि हम जब गए थे इट वॉज़ अ समर टाइम, तो धूप में वो निकलेंगे नहीं। सो हमारे पास थे सिर्फ 3 घंटे, सुबह 5 से 8 बजे तक। अगर हमें टाइगर को देखना है तो इन्हीं 3 घंटों के अंदर हमें पूरी तरह से सर्च करना है, तभी जाके हम टाइगर से। सबसे पहला नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है, और इसका नाम पड़ा एक बहुत ही फेमस हंटर और नेचुरलिस्ट के नाम पे, जिनका नाम था सर एडवर्ड जिम कॉर्बेट। इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम के पे ही पड़ा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मैन ईटर टाइगर्स, मतलब जो कि नरभक्षी हो गए थे या फिर लोगों को खाने लगे थे, इस टाइप के टाइगर्स और लियोपार्ड्स का उन्होंने हंटिंग किया। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकल पड़े जिम कॉर्बेट के जंगलों की ओर, जहाँ डर और खौफ एक शेर का चेहरा लिए हमारा इंतज़ार कर रही थी। टाइगर इनका भी शिकार नहीं करता। और हम लोग टोटल कितना किलोमीटर कवर करते हैं इसके अंदर? जहाँ से मैं बैठा हूँ जी, जी वहाँ से लगभग 10 से 12 घंटे जाएंगे, तब तक के वहाँ से पहुँच जाएंगे। किलोमीटर की नहीं, वैली टाइगर की है ना। मैं जो है टाइगर है, जिसको टाइगर देख गया उसकी सफारी सफल है ना। तो ये था आखिरी चेक पोस्ट, इसके बाद शुरू होता था टाइगर्स का इलाका, यानी कि डेंजर जोन।
ये फॉरेस्ट वाले हैं ना? फॉरेस्ट वाले चेक पोस्ट है ना हमारा। अच्छा, एंटी पोचिंग चेक पोस्ट। इसका पानी किधर से? वो कोसी रिवर से? नहीं, सब सिग्नल रिवर। अच्छा सिग्नल। अच्छा, आगे आया। तो अब जब हम पूरी तरह से फॉरेस्ट पे एंट्री कर चुके थे तो टाइगर की प्रेजेंस का सबसे पहला एग्जांपल हमें मिला, टाइगर के पंजों के निशान। यकीन मानिए, वो पंजों के निशान देख के अब थ्रिल और बढ़ गया था कि टाइगर भाई साहब यहाँ सही में है, क्योंकि अब तक तो मैंने बस वीडियो में देखा था। अब लेकिन अब जब आपको टाइगर के पंजों के निशान दिख जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि टाइगर अब यहीं पर है। गाइड का भी यही कहना था कि अक्सर सुबह सुबह टाइगर्स इन पानी के स्रोतों के आसपास ही रहते हैं पानी की तलाश पे। और फिर तकरीबन कुछ देर के बाद जब सुबह होने लगी, धूप खिलने लगी, तो जंगल का जो डर का माहौल था थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ कितनी हरियाली है, और फियर वाला फैक्टर थोड़ा सा कम होने लगा था जंगल की खूबसूरती को देख के। किसी जंगल की खूबसूरती को देखकर आप कभी बता ही नहीं सकते कि ये कितनी खौफनाक या डरावनी हो सकती है। और मैं यही सोच रहा था कि खूबसूरत तो बहुत है, बस टाइगर न दिख जाए। बाकी दिन के सूरज खिलते ही जगह बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है, तो डर थोड़ा सा कम हो ही गया था मेरा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हमने अपने दिल दिमाग धड़कने और टाइगर को सर्च करने की तेज़ी दोगुनी कर दी थी। हर जगह हम सर्च करने में व्यस्त हो गए थे, जल्दी से जल्दी टाइगर से मुलाकात हो। और डर तो मेरे अंदर था कि कहीं अगर उसने अटैक कर दिया तब तो गया। अच्छा, ये इनका कुंड बनाया है? ये पॉन्ड नहीं है, ये मैंगो वाटर है। तो इस वक्त जंगल पे सिर्फ हमारी टीम ही नहीं थी जो टाइगर को खोज रहे थे, बल्कि हमारे कई साथी टीम मेंबर्स भी थे जो टाइगर को उतनी ही बेचैनी से खोज रहे थे जितने कि हम। दिखा क्या इनको? बड़ी बड़ी फलन से उल्लू बैठा था, यहाँ पीछे गाड़ी बैक करी, मैंने आउल बैठा था, वो देखा तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होता है जंगलों में या फिर इस तरह के टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क्स में, जो कि है कॉल। जिस तरह से हमारा कॉल आता है ना, उस तरह से एक टर्म यूज़ करते हैं कॉल। तो कॉल होता ये है कि जब भी कहीं पे टाइगर या वो जानवर
कहीं भी हो तो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं, बंदर होते हैं, उनकी चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मतलब लाइक वो आपको बता रहे कि अब इस प्रेडेटर का प्रेजेंस है यहाँ पे। सो कुछ ऐसे ही कॉल्स हमें भी सुनाई दे रहे थे, तो हमने फिर रुक के सर्च किया कि इस जगह पे कॉल है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं तो टाइगर प्रेजेंट है। तो ये कॉल अक्सर टाइगर की मौजूदगी आपको बता देता है कि टाइगर आसपास ही है। अब आखिरी में हम लोग ऐसे मोड़ पे आ गए थे ना कि जैसे अब लग रहा था कि अब बस टाइगर कभी भी सामने आ सकता है। एकदम थ्रिल वाली वाइब्स पूरी आ चुकी थी, क्योंकि पंजों के निशान मिलने शुरू हो गए थे और मतलब डर का पूरा सीन क्रिएट हो चुका था। एक तो कॉल्स, पंजे के निशान और जो भी हमारे जो दूसरे टीम्स आ रहे थे उनका भी मतलब ऐसा ही कुछ अंदेशा था कि टाइगर अब आसपास ही है। हमारे साथ साथ दूसरे टीम मेंबर्स भी बहुत ही बेसब्री से टाइगर को खोज रहे थे। जहाँ भी कॉल्स मिल जाता, कहीं भी कुछ भी इशारा था, तुरंत तब एकदम जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम तो था नहीं, हम भी काफ़ी ईगरली अब टाइगर को खोज रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग सब साथ में मिलकर टाइगर को खोजते हैं। टाइगर किसी का शिकार कर रहा है तो आवाज़ होगा ना। और पंजों के निशान जब मिलने लग गए तो हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हो गए कि अब किसी भी मोमेंट पे टाइगर जो है हमें देख सकता है। और हम एक झाड़ी को भी देख रहे हैं तो बहुत गौर से देख रहे हैं कि हो सकता है इन झाड़ियों के पीछे हो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि टाइगर हमें देख रहा है, बस हमसे बच रहा है। तो इस वक्त हमने अपने सर्च करने की स्पीड को एकदम पूरी डबल ही कर दिया था। मतलब बहुत जल्दी जल्दी खोज रहे थे क्योंकि हमारे पास अब टाइम था नहीं, और टाइगर का अंदेशा भी ऐसा था कि ज़्यादा देरी हुआ तो फिर वो एरिया से निकल जाएगा। सो पिछले 3 घंटे से हम बहुत इंटेंस जंगल पे टाइगर को खोज रहे थे कि टाइगर है कहाँ। और सच मानो कि मतलब थ्रिल जो है एकदम एंड टू एंड चल रहा था कि अब टाइगर निकलेगा, अब टाइगर निकलेगा। और जैसे जैसे हम जंगल में अंदर जाते जा रहे थे, जंगल उतना ही टेंस और उतना ही गहरा होते जा रहा था। सुबह 8 बजने के लिए हमारे पास कुछ ही मिनट बाकी थे, तो जहाँ भी थोड़ा सा कहीं रिवर क्रॉसिंग आता था या जल के स्रोत आते थे तो हम काफ़ी स्लोली उस जगह पे क्रॉस करते और देखते कि कहीं टाइगर यहाँ तो नहीं है, क्योंकि अब लगभग वो समय आ ही गया था कि टाइगर दिख जाए। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पार्ट 1 को मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था, सो मैंने इसका पार्ट 2 भी बना दिया, पार्ट 2 भी देख सकते हो। और एक्चुअली ये पूरा जिम कॉर्बेट का सीन मैं एक वीडियो में भी नहीं बना सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे कि जिन्हों काटना मतलब वीडियो के साथ जस्टिस नहीं होगा, इसलिए मैंने मजबूरन 2 पार्ट्स में बनाया। सो अगर आपने पार्ट 1 देख लिया कम्प्लीटली,
थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फिर से आप लोगों को थैंक यू सो मच बिकॉज वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ 600 पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड एनकरेजिंग मी फॉर मेकिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय।